हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। ऑस्टिक्टीज या बोनी फिशेज, अस्थिन मछलियाँ जिनका अंतःकाल अस्थि को बनाते हैं, इनको अस्थिन मछलियाँ कहा जाता है। इससे पहले के चैप्टर पर ने कॉन्ट्रैक्टीज भी पढ़ी थी, उपास्थिन मछलियाँ जिनका अंतःकाल उपास्थि को बना होता है। तो मछली को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, ऑस्टिक्टीज और कॉन्ट्रैक्टीज। तो अब इनके आज हम मुख्य लक्षणों को देखेंगे, क्या क्या इनमें लक्षण पाए जाते हैं, सामान्य लक्षण का अध्ययन करेंगे अपन। सबसे पहले आवास, सभी प्रकार के जल में पाई जाती है, यानी लवणीय और अलवणीय जो जल है, समुद्री और नदियाँ वगैरह इनमें पाई जाती हैं। उसके बाद शरीर जो है इनका तरकुआकार और धारारेखित प्रकार का होता है, जो इनको तैरने में पानी में गमन में सहायक होता है। पंख या फिन्स जो होते हैं इनमें, वो दो प्रकार के, मध्यस्थ और युग्मित, ठीक है। और पूंछ है वो प्राय समपाली पूंछ या होमो सर्कल टाइप की होती है, जिसमें जो दोनों पालियां हैं उसकी वो समान आकार की होती हैं, तो समपाली पूंछ या होमो सर्कल कहलाती है। त्वचा श्लेष्मा ग्रंथि युक्त होती है, चिकनी होती है, तो इसमें वो श्लेष्मा की वजह से होते हैं, तो श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है इनकी त्वचा में। शल्क जो होते हैं वो गेनोइड या साइक्लोइड या टीनोइड प्रकार के होते हैं। अपनी बात करें कॉन्ट्रैक्टीज में, प्लेकोइड या पटाप प्रकार के शल्क पाए जाते हैं, तो शल्क जो इनमें गेनोइड या साइक्लोइड या टीनोइड प्रकार होते हैं। क्या स्ट्रक्चर होती है और क्या इनका फंक्शंस वगैरह, वो अपन इसका जो वीडियो बनाएंगे अपन शल्क का स्केल्स में, उसमें अपन इनकी चर्चा करेंगे शल्क के बारे में विस्तृत रूप से। अंतःकाल जो है वो अस्थियों का अपना है, तो बोनी फिशेज तभी कहलाती है अस्थिर मछलियाँ। और नोटोकोड जो होती है वो स्पष्ट कशेरुकों द्वारा विस्थापित हो जाती है, यानी नोटोकोड की जगह ये वर्टिब्रीन में बन जाती है। मुख जो है वो अंतस्थ या उपांतस्थ, टर्मिनल आगे की ओर या आगे थोड़ा सा पीछे शरीर के, और प्राय दंत युक्त जबड़े, जबड़े होते हैं जिनमें दंत होते हैं। अवस्कर का अभाव है, यानी इनमें जो जनन छिद्र है और उत्सर्जन छिद्र होते हैं, यदि वो एक ही छिद्र में बोलते हैं उसको अवस्कर कहते हैं, तो इनमें अवस्कर का अभाव यानी जनन छिद्र और उत्सर्जन छिद्र अलग अलग है इनमें। श्वसन चार जोड़ी कलमों द्वारा, चार जोड़ी कलोम पाए जाते हैं इनमें, जो प्रच्छद द्वारा ढके होते हैं, ऊपर कुलम पाया जाता है, यानी क्लोम्स को ढकने वाला जो आवरण है कवरिंग, उसको प्रच्छद कहते हैं, वो इनमें पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टीज में प्रच्छद का अभाव होता है, लेकिन इनमें ऊपर कुलम का निर्माण हो जाता है। उसके बाद वायु आशय या वाताशय, एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर जो है वो प्राय उपस्थित होते हैं, जो इनको तैरने में सहायक होते हैं, कॉन्ट्रैक्टीज में शायद नहीं थे, इनमें पाए जाते हैं एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर। उसके बाद में हृदय जो है वो अदर वेंट्रल, ठीक है, कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स हैं तो कॉर्डेट्स में जो हृदय होता है अदर दिशा में होता है, अदर साइड में होता है, वेंट्रल साइड में, तो द्विकक्षीय, एक आलिंद और एक नलिंद में पाया जाता है। आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार और केंद्रीकृत होती हैं, यानी न्यूक्लिएटेड होती हैं, अंडाकार होती हैं। असमतापी जंतु है, यानी इनके शरीर का तापमान वातावरण अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जो एम्फीबिया है, फिशीज है और रेप्टाइल्स है, ये असमतापी जंतु में आते हैं। एवीज और मेमेलिया जो है वो समतापी जंतु होते हैं, इनके शरीर का जो तापमान है स्थिर रहता है। वृक्ष जो होते हैं मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, मध्यवर्गीय प्रकार के, और ये यूरिया उत्सर्जी होती है मुख्यतः। मस्तिष्क अत्यंत छोटे ग्राणपिंड भी में छोटा होता है, सेरिब्रम, छोटा सेरिब्रम होता है, और सुविकसित इनमें द्रक पिंड पाए जाते हैं, ऑप्टिक लोब्स, और सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क इनमें विकसित होता है। कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होती हैं, पिसीज और एम्फीबिया में कपाल तंत्रिकाएं 10 जोड़ी होंगी, रेप्टिलिया एविज और मेमल्स में 12 जोड़ी होती है। उसके बाद पार्श्व रेखा तंत्र सुविकसित प्रकार का होता है, लेटरल लाइन सिस्टम बोलते हैं, जो जलीय जीव होते हैं मछलियाँ या एम्फीबिया के लार्वा जो है, इनमें लेटरल लाइन सिस्टम होता है, जो एक प्रकार सेंस ऑर्गेन सिस्टम है, जो वाटर का प्रेशर है या अन्य कोई आसपास कोई जीव जंतु की उपस्थिति उसको
डिटेक्ट करता है, जिसको अपन पार्श्वरेखा तंत्र कहते हैं, वो सुविशिष्ट प्रकार का होता है। आंत्रिक जो कर्ण है वो तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाओं सहित होता है। इनमें लिंग पृथक होते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं। जनन ग्रंथि युग्मित होती है। निषेचन जो है प्राय बाह्य होता है, बहुत कम है, रेयरली जिनमें निषेचन आंतरिक होता है। अधिकांशतः ये अंड प्रजक होती है, ओविपेरस यानी अंडे देती है, बहुत कम होती है जो अंडजरायुज या सजीव प्रजक या वीवीपेरस है। अंडजरायुज जिनमें एग्स जो है वो उसकी एचिंग जो बॉडी में होती है, तो उनको सर्वाइवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे हिप्पोकैम्पस है जो एक अंडजरायुज फिश है, ब्रूड पाउच होता है मेल में जहाँ पर अंडों को रखा जाता है हैचिंग तक। और सजीव कुछ सजीव प्रजक भी होती है, वीवीपेरस होती है, जो सीधे मछलियों को जन्म देती है। विदलन जो है वो अंशवच्छी प्रकार का होता है, ठीक है, और परिवर्तन इनमें प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, यानी लार्वा अवस्था की वाली कंडीशन नहीं है। हैचिंग के बाद में सीधी बेसिक स्टेज नहीं आती है, मछलियों को उत्पन्न किया जाता है, कोई लार्वा अवस्था नहीं है। तो ये इनके मुख्य लक्षण थे, जो ऑस्टेक्टीज फिशेज या बोनी फिशेज हैं। अगले चैप्टर में हम इनके क्लासिफिकेशन को फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू।